हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले कि यदि आप झारखंड राज्य के हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन अपने राशन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, नाम ऐड कर सकते हैं, फैमिली ऐड कर सकते हैं और नाम हटा सकते हैं और नया राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और राशन कार्ड यदि बन गया है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं राशन कार्ड के रिलेटेड जितने भी है आपको, और वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आप लोग को पूरी जानकारी समझ में आएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए और सर्च बार में लिखिए राशन मैनेजमेंट। ये मेरा पहले से टाइप किया हुआ है, इसकी वजह से आपका नीचे आ गया। हम इस पर क्लिक कर दे रहे हैं। फर्स्ट वाले पर आप लोग क्लिक करना है, फिर कार्ड होल्डर लॉगिन पर क्लिक करना है। आपको राशन कार्ड से लॉगिन करना है तो आपको सेकेंड वाले पर क्लिक करना है। इसमें अपना राशन कार्ड नंबर डालिएगा। फिर आप लोगों का जो भी कार्ड होगा, ग्रीन कार्ड होगा तो ग्रीन कार्ड पर सेलेक्ट कीजिएगा, पीएच कार्ड होगा तो पीएच कार्ड पर सेलेक्ट कीजिएगा और व्हाइट कार्ड होगा तो व्हाइट कार्ड पर सेलेक्ट कीजिएगा। तो मेरा पीएच कार्ड है तो पीएच कार्ड पर हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। राशन कार्ड के हेड फैमिली का आपको लास्ट 8 डिजिट आधार नंबर डालना है। राशन कार्ड में हेड फैमिली का जिसका नाम है उसका लास्ट आधार का आपका 8 डिजिट नंबर डालना है। फिर आपको कैप्चा डालना है। फिर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने टोटल राशन कार्ड का डिटेल ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए, जितने भी आपके राशन कार्ड में सदस्य हैं, जैसे मेरे राशन कार्ड में 4 सदस्य हैं तो चारों सदस्य का ओपन होके आ गया। और यदि आपके फैमिली में और भी कोई मेंबर है और आप राशन कार्ड में इसको जोड़ना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। राशन कार्ड में जो पहले से है उनमें से किसी का एक भी सदस्य का सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसका पूरा आधार नंबर डालना है। फिर आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, उसमें जिस फैमिली का आपको जोड़ना होगा, जैसे बच्चा होगा तो आपको बच्चा का नाम, उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर टोटल फिलअप करके आपको एड पर क्लिक कर देना है। आपका फैमिली मेंबर एड हो जाएगा। इसी तरह का आपको किसी फैमिली को आपको हटाना है तो आपको परिवार का सदस्य को हटाने पर क्लिक कीजिएगा। राशन कार्ड में जो पहले से है उनमें से किसी को एक का सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये सुधीर कुमार गुप्ता है इसका। फिर आपको नीचे इस खाली बॉक्स में टोटल सुधीर कुमार गुप्ता का आधार कार्ड नंबर डालना है। फिर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपका जिस सदस्य का आपको हटाना होगा उसका नाम आपको आएगा ऑटोमेटिक, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और आप उसको हटा दीजिएगा। किसी तरह का आपको यदि प्रॉब्लम होगा या परेशानी होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका फुली सॉल्यूशन देंगे आप लोगों को, कोई भी दिक्कत आएगी तो।
यदि आपको राशन कार्ड में आधार नंबर आपको जोड़ना है तो आपको आधार नंबर सुधार या परिवर्तन में क्लिक कीजिएगा। फिर आपको पहले से जो राशन कार्ड में है उसी तरीके से आपको किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है। ये संतोष कुमार गुप्ता है तो आपको संतोष कुमार जिस व्यक्ति को आप सेलेक्ट कीजिएगा उसका पूरा आधार नंबर यहाँ पर डालिएगा। फिर वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक डायलॉग ओपन होके आएगा, उसको आपको फिलअप कर देना है। फिर आपके आपको सबमिट कर देना है, फिर हो जाएगा आपका आधार सेटिंग राशन कार्ड के साथ। इसी तरह का आपको मोबाइल में नंबर मोबाइल नंबर चेंज करना है या और भी कुछ सदस्य का नाम परिवर्तन करना है, राशन कार्ड सरेंडर करना है, जेंडर जिसे आपको जिसे मेल है फीमेल है आपका गलत है तो आप इसको चेंज करते हैं, आप डीओ भी चेंज कर सकते हैं घर बैठे मोबाइल से। आप ओपन कीजिएगा, इसमें तमाम तरह के सुविधाएं है, आपको किसी तरह का दिक्कत आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका फुली सोल्यूशन देंगे किसी तरह का आपको दिक्कत आएगा। तो बैक बटन पर क्लिक कर दीजिए। और यदि आपको नया राशन कार्ड अप्लाई करना है तो आपको रजिस्टर टू अप्लाई फॉर राशन कार्ड पर क्लिक कीजिएगा, जिसका भी आपको अप्लाई करना है उसका नेम लिखिएगा कैपिटल अक्षर में इंग्लिश में। एक हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, हिंदी नेम लिखिएगा। आपके सामने हिंदी नेम खाते आपको दिया जाएगा एक टेक्स्ट बुक। फिर फादर नेम या हस्बैंड नेम लिखिएगा इंग्लिश में, फिर आपको हिंदी लिखना पड़ेगा। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आप मेल है फीमेल है। फिर आपको कास्ट सेलेक्ट कर लेना है, ओबीसी है या जनरल है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको मोबाइल नंबर, फिर अपना आधार नंबर जिस किसी का भी आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको कार्ड सेलेक्ट करना है कि ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है कि वाइट कार्ड अप्लाई करना है। आपको वाइट कार्ड अप्लाई करना है तो वाइट कार्ड पर क्लिक कीजिए, ग्रीन कार्ड पर अप्लाई करना है तो ग्रीन कार्ड अप्लाई कीजिए। आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, फिर अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेना है, फिर अपना विलेज। फिर आपको आधार कार्ड के एक अपलोड करना पड़ेगा आपको फोटोकॉपी, जिसका मैक्सिमम साइज 200 के भी हो, जेपीजी पीएनजी आप अपलोड करना है। फिर आपको आई हेयर बाय कंसेंट पर क्लिक कर देना है, आपको फिर आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है तो आपका राशन कार्ड अप्लाई हो जाएगा, ग्रीन कार्ड या वाइट कार्ड जो भी अप्लाई किए होंगे आप। इस तरह का आप नया राशन कार्ड घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका राशन कार्ड अप्लाई कर दिए हो, आपको एक एक्नोलॉजमेंट नंबर मिलेगा और आप चाहते हैं कि मेरा राशन कार्ड अभी तक कहाँ है, आप यदि चेक करना चाहते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से तो आप चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कीजिएगा। इसमें अपना एक्नोलॉजमेंट नंबर डालिएगा, फिर आप कैप्चा डालिएगा, सर्च पर क्लिक कीजिए। आपके सामने ओपन हो जाएगा कि आपका राशन कार्ड अभी तक कहाँ गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जय हिंद।